सारे बहन भाई ने मेरी हाथ जोड़कर राम राम। कैसे हो आप सब? मैं तो ठीक हूँ बेबे। दो दिन हो गए थे वो लोग नहीं आया था, तो कई बे कमेंट आवे है बेबे। आज सारे कमेंट के जवाब दे दू हूँ मैं। आप गए मत पूछियो किसी ने, कई दिन हो गए भैया कमेंट अंदर है। मैं सोची थी जान दी हूँ, कभी फिर कभी जवाब दूंगी। तो एक तो कमेंट आया करे है बेबे कि अंकल जी को क्या हुआ, मतलब कहाँ है, दिखाते नहीं है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था बेबे कि मेरे हस्बैंड का बेबे एक्सीडेंट हो गया था, 15 साल हो गए, 16वीं साल लग रही है बेबे। और ये बातें बार बार पूरे दिन मैं वो नुका कर रहे हैं, दुखे होया कर रहे हैं। जहाँ तो मैं जवाब कमे दिया करूँ हूँ, लेकिन फिर भी कोई वे पूछती रहे हैं तो बता दे। इसलिए मैं सोची चलो आज एक वीडियो के द्वारा मैं बता देती हूँ सबको। 15 साल हो गए बेबे एक्सीडेंट हुआ था, और एयरफोर्स में काम कराया करते। जब एक्सीडेंट हुआ हम पूना थे, मतलब मैं और बच्चे, एक मेरे देवर का बच्चा लड़कन लेकर जा रही थी मैं, और दोनों मेरे बालक हम चारों जने पूना थे। और ये छुट्टी आए हुए थे बेगाम में, और गांव में तय, और मेरे ससुर को लेकर रोहतक जाना थे। वहां गांव के जैसे बाईपास पर जब मेन रोड पर चढ़ा हा वहां एक्सीडेंट हुआ था बेबे। एक ट्रैक्टर वाला था, ये लेकर भाती जामे थे उसमें, वो ट्रैक्टर वाले ने टक्कर मारी थी बेबे। और एक ही दिन मतलब ऑन द स्पॉट मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड दोनों एक्सपायर हो गए थे। बाकी वो बाज भी गया था, इंसानियत तो बची नहीं है वैसे आजकल लोगों में। आजकल क्या, 15 साल पहले की बात है, आजकल तो फिर भी और गुंडा जमाना आ गया है। अगर वो उसमें इतने बड़े इतने आदमी भी बैठे थे उस ट्रैक्टर में, भाती जावे थे, मैं बाद में तो पता चल गया था उनका, भाती जावे थे, अगर एक भी आदमी के अंदर इंसानियत जगी होती उस दिन, गलती हो जाती है इंसान से, मानते हैं गलती होगी थी, मान ले उनसे हो गया था, ये इतना बड़ा हादसा हो गया था, लेकिन अगर वहां से रोहतक का 10 मिनट का भी रास्ता नहीं है, अगर वो बाज कहना हॉस्पिटल में पहुंचा देते तो क्या पता। मतलब मेरे ससुर तो वही ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए थे, लेकिन महाराज के पापा जिसने भी देखे हैं, थोड़ी बहुत थे जिसने भी सीधे करे हैं, सांस थे उस टाइम उसमें, अगर वो मार का बाजन आड़े अब वो हॉस्पिटल पहुंचा देते तो क्या जाता उनका। वो पकड़े तो बाद में भी गया है, केस भी चलिया है, पकड़े तो के बाद में के पकड़े ना जाकर, बेरा के पट्टा ना करा, बेरा तो पट्टा ही गांव में कोई बाज के गई है, मैं मारे ही गांव का मैं को फिर वो बाज के भी गई है। तो जिस किसी ने भी देखा है बाद में तो पुलिस ने ढूंढ ही लिया था उसको, लेकिन इतने सारे आदमी बैठे थे, बड़े बूढ़े बैठे थे उसमें, कोई आजकल के जवान बालक तो नहीं सोचा है कि भाई चलो कोई बात नहीं बाज भी जावे, बड़े बूढ़े आदमी बाती जावे थे खंड क्याड़े, और वह आदमी ही बजा ले गए उस ट्रैक्टर ने। तो कम से कम एक आदमी के अंदर भी इंसानियत नहीं जमी जगी तो ये था बेबे। वो इतना इमोशनल पल था हमारे मेरे ससुराल में, मन नहीं लगता उस दिन किसी का घर चूल्हा जड़ा हुआ, इतना बड़ा हादसा होया था हमारे साथ। तो इसलिए वो दिन सुन कर भी, मतलब वो दिन याद भी आ जावे तो रूह कांप जावे है बेबे, इसलिए मैं जवाब नहीं दिया करूँगा। हम लोग थे नहीं यहाँ पे, मैं और बच्चे पुन्ना थे, तो हमें बताया गया, जो भी फोन वोन करे सेक्शन में बता दिया था, वहां से सेक्शन वाला ने हमारी टिकट करवा दी थी बाई एयर हम लोग आए थे। लेकिन हमें, मेरे को नहीं पता था ना बच्चों को पता था, हमें यही बताया था कि थोड़ी सी चोट लग रही है, हॉस्पिटल में है। ससुर की मेरे को बता दिया था कि ससुर एक्सपायर हो गए हैं, और हमारा इसके पापा हॉस्पिटल में हैं। हम रात में 11 बजे हम गांव में पहुंचे थे, मतलब 6 बजे की हमारी पुन्ना से फ्लाइट थी, 6 बजे की, वो भी वो जो पुन्ना का एयरफोर्स स्टेशन के अंदर ही एयरपोर्ट है
वो भी जैसे हमारे जो बड़े ऑफिसर थे उन्होंने बोल के चार टिकट किसी की कैंसिल करवा के वो हमारी टिकट उसमें एडजस्ट करवा के घर से गाटिया में लेके गई। आगे भी भाई मिल गया था उसको भेज रखा था एयरपोर्ट पर। बहुत मदद करी भाई सेक्शन वाले ने, जो भी हमारा स्टाफ था उन्होंने बहुत मदद करी, बाद में भी बहुत मदद करी। हालांकि उन्होंने भी उन लोगों सेक्शन में भी पता चली गया था, बताया नहीं किसी ने भी, तो उन्होंने फटाफट इंतजाम करवाया हमारा, चार टिकट करवाई और हम पहुंचे। तो रात को भी नहीं पता था मैं किसी को भी, शायद मेरे ख्याल में घर घर वालों को लेडीजों को शायद नहीं पता था, अगले दिन पता चला मैं। तो आज के बाद भी कोई भी मत पूछना मेरे से, बताया नहीं जाएगा, बहुत इमोशनल हूँ मैं, मतलब ऊपर से सख्त दिख हूँ लेकिन बहुत इमोशनल हूँ। आज के बाद कोई पूछना मत, मैंने बता दिया है जिसको पूछना है, आगे से ये वीडियो देख लिया करना। तो मुश्किलें तो बहुत आवा है उस दिन, मैंने इसलिए मेरे को गुस्सा आ रहा था, मैंने वो जो पपल बहन पे वीडियो बनाई थी इसलिए बनाई थी कि बोलने वाले पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, जिस पे बीतते हैं वो ही जाना है, कितना मुश्किल पलो है, उन मुश्किल पलों में से हम निकले हैं। और फिर लुगाई कुछ कम है तो वो दिन याद आ जाए, कितना मुश्किल है उस सिचुएशन में से निकलना। कोई भी ड्रेस वाला दिखता था ना मुझे रोना आ जा करता, जैसे मैं गई यहाँ से, बच्चे मेरे वहां पढ़ाई कर रहे थे तो जाना तो था ही, जैसे मैं गई यहाँ से मुझे कोई भी ड्रेस वाला दिखता था तो मुझे मेरे से देखे जा करता। फिर भी हमने अपना मजबूत दिल मजबूत करना पड़ा है अपने बच्चों के लिए। छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, दसवीं पास करी थी सुमित ने, आठवीं में नितिन था। इतना कठिन सफर था हमारा, देख लो 15 साल हो गए, 16वीं साल लग रही है, लेकिन करना तो सब कुछ पड़ा है बेबी, क्या नहीं करना पड़ता। एक घर में तो दो दो मौतों में है, जब कितना बड़ा पहाड़ टूटा है उस माँ के ऊपर, बाप तो साथ में ही जा लिया, सुना तो बेचारे ने दुख देखा है कोनी शुक्र, लेकिन माँ के ऊपर और हमारे ऊपर पूरा परिवार के ऊपर ही कितनी बड़ी दुख की घड़ी थी वो। चलो मैं याद नहीं करती इसलिए उन दिनों को, जो निकल गया है उसको क्या याद करना है, क्योंकि फिर उसी तभी तो कहूँ थी वो दिन तो वापिस आना नहीं बेबे, वो दिन तो वह बात तो देखो बोर्ड कहानी है नहीं, वो तो हो चुका है हादसा। मुझे भी निकलने में थोड़ा टाइम लगा है, सबको ही लगा है, लेकिन आज अपने बच्चों के लिए मजबूत होना पड़ा है। और मैं तो यूं कहूँ जितनी भी मेरी बहने इस सिचुएशन में है तो मजबूत हो जाओ, बिल्कुल करडा दिल करके ना अपने बालक पढ़ लो बेबे, नू दिखा दो कि भई हाँ आदमी के जाने के बाद हमने हमारे घर बसाया कर दिखा दिए और हमारे बालक पढ़ा दिए और इस लायक बना दिए। बहुत मेरे ख्याल में 50% लेडीजों के साथ बीत रही है ये, तो मैं तो यही कहूंगी वे जितनी मजबूत होगी उतनी बढ़िया है। दुनिया का क्या है, दुनिया तो नहीं बोलती रहो है, कभी कुछ है कभी कुछ है कभी कुछ, उसका तो काम है बोलना। वो सही किसी ने गाना गाया था, कुछ तो लोग कहेंगे तो लोगों का काम है कहना, तो अच्छा करोगे तो भी कहोगे, बुरा कहोगे तो भी करोगे, लेकिन अपनी तरफ से बुरा मत करोगे, किसी का बुरा सोचो भी मत, करना तो दूर की बात है। सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई पर ध्यान दो, सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई, फालतू मन तो आप किसी का एक फालतू पहचान चाहिए, सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई चाहिए तो वो भगवान साथ देता, सबका साथ देता, सीधी नहीं ताड़ा का वो भगवान जरूर साथ दिया करे, मेरा दिया है विवेश ने, मैंने वो भगवान का नाम ले लिया का सारे काम करे, मेरे सारे काम सफल करे हैं उस मालिक ने, कोई न कहा कर है, भगवान खुद नहीं आते लेकिन किसी को भी अपने रूप में जरूर भेजते हैं हमारे जैसों की मदद करने के लिए, लेकिन आदमी सही होना चाहिए बेबे, अपनी जगह पर हम बिल्कुल सही है, हमने कोई गलत काम नहीं करे तो भगवान जरूर साथ देगा, अपनी सीधी नीयत का काम करें जाओ भगवान जरूर साथ देगा, और मजबूत
मजबूत बनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कमजोर नहीं पड़ना है किसी भी स्थिति में, कमजोर नहीं पड़ी हूँ। मैंने भी देख लिया दो दो बालक व्याधि है, मैं कदे कमजोर नहीं पड़ी। टाइम पर हर एक चीज याद आवा है, हर एक चीज, लेकिन कमजोर नहीं पड़ना है। अपना कमजोर पल किसी को भी नहीं दिखाना है। अगर हम कमजोर पड़े हैं तो अकेले में जाकर पड़ जाओ, किसी को दिखाना नहीं है कहीं। कुछ अगर इमोशनल भी हुए है ना तो भीतर भड़का हुई हुए, बाहर नहीं, बाहर नहीं। कभी बच्चों को नहीं दिखाया, कभी नहीं दिखाया आज तक। और कविता के बारे में भी कई लोग पूछे हैं, मैं अगला व्लॉग में बता दूंगी कविता के बारे में भी। आज का व्लॉग में और मैं से कुछ बात बताई नहीं जाऊंगी। अब प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूं, कोई मेरे से और कुछ ये इसके बारे में रिलेटेड कोई बात मत पूछना कि अंकल क्या करते थे या क्या हुआ था, है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारी बहना ने मैं पहले पहले आई थी, बहुत सारी औरतें बोलती थी आप बिंदी क्यों नहीं लगाते, आप बिंदी क्यों नहीं लगाते, बहुत सारे कमेंट आते थे। मैंने यही बोलती थी मैं कि मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरे को ऐसे सिंपल रहना अच्छा लगता है। तो ये मेरी मर्जी थी बेबी, मेरे को अभी भी ऐसे ही सिंपल रहना अच्छा लगता है। मेरे कोई मना नहीं करता, अगर मैं कुछ करूं तो कोई मना नहीं करता, लेकिन वो तो अपने पे डिपेंड करे मेरे को कैसे रहना पसंद अच्छा लगता है। मेरे को ऐसे रहना अच्छा लगता है। चलो बेबी आज के लिए बस इतना ही बोला जाओगा मेरे पे, और ज्यादा मेरे से बोले जाओगा। मिलते हैं फिर आगे एक नए ब्लॉग में। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, आप लोगों की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आज तक जो साथ दिया है आगे भी ऐसे ही साथ देते रहना। राम राम सबने।